हेलो, बिल्कुल स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एसएमसी इंटरनेशनल की ट्रबल शूट या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की जो वीडियो है उसके ऊपर हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो उस बारे में है कि जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे कस्टमर्स को, तो आज चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप अपना जो फेवरेट पीसी है उसको ऑन कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो ड्रीम पीसी यहाँ पर आ हुआ है, एंड यहाँ पर आपका जो है हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है अपने पीसी को, जिसके लिए हम इसे कनेक्ट कर लेंगे इसकी पावर केबल के साथ। तो ये पावर केबल हमने हमारे पावर सोर्स में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे जो है इसे प्लग करना है अपने पीसी में, एंड देन यहाँ से आपको अपने जो पीसी को उसे स्टार्ट कर लेना है। तो फिर यहाँ पर आप इसको पावर बटन ऑन करके जब देखेंगे तो आपको जगमगाते हुए आज भी आपकी ज़िंदगी जगमगा जाएगी और देख सकते हैं आपका पीसी स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो ऐसे कई कस्टमर्स हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि उनके मॉनिटर में डिस्प्ले नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये है कि वो कई बार अपने मदरबोर्ड के जो HDMI पोर्ट है वहाँ से अपने मॉनिटर को डिस्प्ले देने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत प्रोसेस है। आपको अपने ग्राफिक कार्ड में जो HDMI पोर्ट है या फिर DP पोर्ट है उसके थ्रू आपको जो है जो वीडियो का सिग्नल है वो आपके मॉनिटर की तरफ जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इसे कनेक्ट करना है इसके HDMI पोर्ट से अपने मॉनिटर को। तो ये रही हमारी HDMI केबल जिसे हम कनेक्ट करने वाले हैं हमारे मॉनिटर से। तो फाइनली हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं अपने HDMI केबल के साथ। तो यहाँ पर HDMI का आपको यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल जाएगा ग्राफिक कार्ड में। अगेन आई एम सही। तो यहाँ पर आप इसे इसको कनेक्ट करिए इसके मॉनिटर के साथ। आपके मॉनिटर मोस्टली जो इसके बैक साइड में आपको यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, DP, DVI, HDMI। यहाँ पर हमने HDMI केबल यूज़ किया इसलिए हम लोग HDMI पोर्ट पर इसको कनेक्ट कर रहे हैं। फाइनली जो हमारे HDMI केबल है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर ली है। इसके बाद हम मॉनिटर को अपना पावर देते हैं, देन देखते हैं डिस्प्ले आती है या नहीं। तो हमने अपनी HDMI केबल और पावर कोड दोनों जो है इंसर्ट कर दिए है हमारे मॉनिटर में। अब देखते हैं डिस्प्ले आई है या नहीं। एंड वोला, डिस्प्ले आ चुकी है हमारे PC से हमारे मॉनिटर के थ्रू। और अब हम इसके पेरिफेरल्स आपके प्यारे पेरिफेरल्स में जो है कनेक्ट करते हैं। तो फाइनली हमारे पेरिफेरल्स यहाँ पे हम आ चुके हैं, कीबोर्ड एंड माउस। अब इसे हम फाइनली कनेक्ट करेंगे अपने जो PC के जो USB पोर्ट्स हैं उनमें। तो फाइनली हमारे पेरिफेरल्स भी जो है वो लग चुके हैं हमारे PC में। अब देख लेते हैं PC का जो फ्रंट हमारा लुक है। तो फाइनली ये हमारा PC फ्रंट से आप इसका लुक देख सकते हैं। अगर आपको बाय द वे PC पसंद आया है तो ये हमारे हेडीज सीरीज का PC है, बजट PC है। अगर आप बजट में रहते हुए एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस PC की तरफ जा सकते हैं। तो फाइनली हमारे सभी पेरिफेरल्स और PC और हमारे मॉनिटर्स कनेक्ट हो चुके हैं, ऑन हो चुके हैं, एंड देन अच्छे से चल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बेसिक एक सेटअप गाइड था कि आपको कैसे अपने PC को कनेक्ट करना है। इनिशियल बूट जो आपको देना है वो किस तरह से करना है, अपने पेरिफेरल्स को कैसे कनेक्ट करना है। मोस्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आते थे कि हमारे डिस्प्ले नहीं आ रही हमारे मॉनिटर पे, तो उसको हमने आज क्लियर किया उसके डाउट को। बट स्टिल अगर आपको कोई भी इशू है तो आप हमें IVR पे कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और राजीव भाई कर सकते हैं अपना ड्रीम PC। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक कुछ होने बात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज ध्रुव गुरुंग फ्रॉम SMC इंटरनेशनल साइनिंग ऑफ।